आज एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी गारंटी देने के लिए मैं आया हूं, वो है स्वास्थ्य की गारंटी, स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी, हेल्थ की गारंटी, अस्पतालों की गारंटी। आज पंजाब के अंदर इतना बुरा हाल है, अगर आप बीमार पड़ जाओ और सरकारी अस्पताल में चले जाओ, पीजीआई छोड़ के सरकारी अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चले जाओ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चले जाओ, आप इलाज, बिल्कुल इलाज नहीं मिलेगा आपको, तो आपको मजबूरी में प्राइवेट में जाना पड़ता है। जिसके पास भी बेचारे के पास दो पैसे हैं वो प्राइवेट में जाता है, और जब प्राइवेट में जाता है वहां पे बुरी तरह से लूट मची हुई है प्राइवेट अस्पतालों के अंदर। सरकारी अस्पताल में जाओ वहां ना डॉक्टर मिलेगा, ना नर्स मिलेगी, ना दवाइयां मिलेगी, ना मशीनें काम कर रही हैं, दवाइयों की खिड़की खुलती नहीं है। आज से 7 साल पहले जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली थी, दिल्ली में भी यही हाल था, सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था, सरकारी अस्पतालों में बहुत बुरा इलाज था। 5 साल 7 साल के अंदर हमने दिल्ली के पूरे अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों की दशा बदली है। आज पंजाब के लोगों को, उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए मैं 6 गारंटी दे रहा हूं, 6 गारंटी। पहली गारंटी, पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है। मैंने 2 बातें कही हैं, मुफ्त और अच्छा। अगर मुफ्त कहो तो लोगों को लगता है कि मुफ्त चीज तो बेकार होती है। हमारा ये मानना है कि भगवान ने जितनी मुफ्त चीजें दी है वो सारी, हवा मुफ्त दी है, हवा के बिना आप 1 मिनट नहीं रह सकते। हमारा मानना है कि जो मुफ्त चीजें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और उनको अच्छा करके दिखाएंगे हम। तो मुफ्त और अच्छा इलाज, अच्छा इलाज ऐसा कि आप प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पे आपको इलाज मिलेगा। दूसरी गारंटी, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारा ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त होगा। दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली में अच्छा इलाज भी दे रहे हैं, मुफ्त इलाज भी दे रहे हैं, और आप सरकारी अस्पताल में चले जाओ, महंगी से महंगी दवाई, अगर कोई इंजेक्शन आपका 10,000 रुपए का भी आता है, मुफ्त मिलता है आपको दिल्ली के सरकारी अस्पताल के अंदर। आज पंजाब के अंदर अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाओ, दवाइयां मिलती हैं? नहीं मिलती। डॉक्टर एक पर्ची पे लिख देता है, कहते हैं बाहर से ले लेना दवाई, दवाइयों की खिड़की खुलती नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर सरकारी अस्पताल के अंदर सारी दवाइयां मिलेंगी, दवाइयों की खिड़की खुलेगी। हम इंश्योर करेंगे कि सारी दवाइयां मिलनी चाहिए।